श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी पंजाब के प्रधान रॉबिन सांपला के नेतृत्व में पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंका गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में करोड़ों का घोटाला करने के आरोप में घिरे पंजाब के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को मंत्री पद से हटाया जाए और इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। इस मौके पर रॉबिन सांपला ने कहा कि पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृपा शंकर सरोज की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घोटाले में सामाजिक न्याय सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की भी मिली भगत है, इसलिए मंत्री को पद से हटाने के साथ साथ घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों को डिसमिस किया जाए। रॉबिन सांपला ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उन शिक्षण संस्थानों को भी पैसा आवंटित कर दिया गया है जिनको माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी, इसलिए उन सभी शिक्षण संस्थानों से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा वसूला जाए जिन्हें ये पैसा आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी तब तक संघर्ष जारी रखेगी जब तक दलित विद्यार्थियों को उनका हक नहीं मिल जाता। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। अपना फर्ज भी समझदे और गरीब दलित परिवारों के नाल होया धोखे की गंभीरता नु भी लेंदे। आज पूरे पंजाब दे विच साधु सिंह धर्मसोत के जड़ी अस्तीफे की मंग हो रही है और साडे सूबे के जड़े मुख्यमंत्री है वो अजकल क्लीन चिट मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने ने और उन्होंने जोड़ा भी करप्शन करता उन्होंने क्लीन चिट दे देंगे। पहला भी तुम देखा कि जरा मंत्रियों क्लीन चिट दिती और बाद आप ही उन्होंने अस्तीफा भी उन्हें मंगया क्योंकि जो लोगों का प्रैशर पैदा लोगों का दबाव पैदा तो वो उन्होंने असर उस बाद हों तो अभी उस असर न चुका कैप्टन साहब के असर हो अपनी सुखी जिन जी विलासत की जिंदगी तो बहर आकर लोगों के भी सुन तो उन्होंने जोड़ा लोगों के गरीबों के नाल इंसाफ कर और ऐसे करप्ट मंत्रियों चलदा कर और जी है इनकुआरी वो सी बी आई तो करा जे उन्होंने लगता कि सी बी आई तो क्योंकि अगले इल्जाम लाने की वो तो जी केंद्र सरकार के दबाव थले रहेगी तो हाईकोर्ट के जज तो करा देन किसी भी सिटिंग जज तो ताकि इंसाफ और निष्पक्ष जांच हो सके और धर्म सिंह सोध सजा मिल सके। सरकार थोड़ी केंद्र थोड़ी सरकार है अपनी सरकार है अपनी सरकार ने थोड़ी सरकार ने पैसे भेजे हैं वो जांच क्यों नहीं करवाते उन्होंने जांच की जी इनकुआरी मार्क मांग कर रहे हो सी बी आई की इनकुआरी सी बी आई जी है बीजेपी सी बी आई इदा है कि कहीं भी कोई भी सी बी आई की इनकुआरी फैडरल सिस्टम के सीधे तौर पर सी बी आई नहीं आती। किन्ने करोड़ का किन्ने करोड़ का कपला है जी ये देखो हाले तक तो जोड़ा मोड़े आया 64 करोड़ रुपए की गल करते पर मैं जो कह यदि पूरी ली इनकुआरी की जाए तो बहुत व्डा जोड़ा आ सैकड़िया करोड़ों का जोड़ा घपला निकलेगा क्योंकि ये 1 अप्रैल 2019 तो लैके हूँ तक आया हूँ तो भी क्या 6 महीने पहला तक आया असं ये कह सकते कि 1 साल की रिपोर्ट दे आ अगर पुरानी रिपोर्टों भी देखिए तो बहुत व्डा घपला जोड़े है ही नहीं उन्होंने तो पैसे देते और जोड़े इंस्टीट्यूशन रौला पा रहे जिन्हें बच्चे पढ़ रहे हैं वो हले तक उद मर खप रहे हैं और उद्दी हले उन्होंने हले भी इंसाफ नहीं मिले। अज श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी वालों जो कैबिनेट मिनिस्टर कांग्रेस सरकार के साधु सिंह धर्मसोत उन्होंने जो साड़ी एससी जो स्टूडेंट ने उन्होंने जी इन्होंने स्कॉलरशिप का घोटाला किया जी उन्होंने फीस खाधी है या वो एडा वड्डा घोटाला है वो मैं समझता कि वो सिर्फ विद्यार्थियों का धोखा नहीं वो पूरे एससी दलित समाज का धोखा है। उसका कारण यह है कि इन्होंने एससी वर्ग को अगे वधन तो रोकिया कि एससी जे स्टूडेंट है साढ़े जो भैन भरा ने उन किते वो पढ़ के लिख के अगे ना वध सकन उन्होंने स्कॉलरशिप इन्होंने खाधी है और मैं समझता कि इन्होंने पंजाब के जिन्हें भी दलित समाज या जिन्ना भी दलित भाईचारा आ उन्होंने सारा का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिता और बड़े ही मैं ये मतलब महसूस हो रहा गल कहते हुए कि एक खुद एक एससी कम्यूनिटी बिलोंग करते हुए इंसान ने और मैं सरकार तो यह मंग करता और मैं
ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ 1% ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੋਧ ਨੇ ਖੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।